नमस्कार दोस्तों, 2020 के इस कोविड-19 पेंडेमिक में इंडियन प्रीमियर लीग शायद क्रिकेट लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह उभरा है। करोड़ों दर्शक इंडियन प्रीमियर लीग को देख रहे हैं, अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी और अपनी अपनी पसंदीदा टीम को समर्थन दे रहे हैं और अपना खुद का भी मनोरंजन कर रहे हैं इस प्रीमियर लीग को देख के। तो आज इस वीडियो में हम आपको इंडियन प्रीमियर लीग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद आपको ना पता हो, और अगर पता भी हो तो आपको ये जान के आनंद जरूर आएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। स्वागत है आपका हमारे शो द स्लॉगर्स में। प्रवीण कुमार के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 119 मैच खेलते हुए 1075 डॉट बॉल्स डाले हैं। इतना डॉट बॉल आज तक किसी और प्लेयर ने नहीं डाला। और यही नहीं, प्रवीण कुमार के नाम सबसे ज्यादा मेडन ओवर करने का भी रिकॉर्ड है। इन्होंने अपने 119 खेले हुए मैचों में 14 मेडन ओवर्स डाले हैं, और आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे पहला ओवर भी प्रवीण कुमार ने ही डाला था। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये दो मात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता है। इसके अलावा किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये अवार्ड अभी तक नहीं जीता। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज तक सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने ही कप्तानी की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आज तक अपना कैप्टन इतने सीजन्स में कभी चेंज नहीं किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। बाकी सारी टीमों ने अपने कैप्टन्स कभी ना कभी चेंज किए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का खिताब अमित मिश्रा के नाम पे है। अमित मिश्रा जो अभी दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नाम पे 3 हैट्रिक्स लेने का रिकॉर्ड है। 3 हैट्रिक्स अभी तक सिर्फ अमित मिश्रा ने आईपीएल में लिए हैं। इसके अलावा किसी प्लेयर ने इंडियन प्रीमियर लीग में इनसे ज्यादा हैट्रिक नहीं लिया है। एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम पे है। इन्होंने 2013 में 407 गेंदे की थी 17 मैचेस खेलते हुए, जिसमें से 212 बॉल इनके डॉट बॉल्स थे। एक सीजन में सबसे ज्यादा डॉट बॉल का रिकॉर्ड अभी तक इन्हीं के नाम पे है। आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट 50 मारने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम पे है, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए 14 गेंदों में 50 रन मारे थे। और वहीं सबसे तेज शतक मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पे है, जिन्होंने महज 30 गेंदों में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 100 रन मारे थे। आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा रन 4 ओवर में देने का रिकॉर्ड बसिल थम्पी के नाम पे है, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 4 ओवर में 70 रन दिए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में पहले भारतीय प्लेयर ऑरेंज कैप जीतने वाले बने थे सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में 15 मैचेस में 618 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए थे। इसके बाद उन्हें ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया था। 2008 में खेला गया सबसे पहला इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें ऑरेंज कैप जीतने वाले प्लेयर बने थे ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्स, जिन्होंने किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए 11 मैचेस में 616 रन बनाए थे। वहीं पर्पल कैप का खिताब जीता था पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 11 मैचेस में 22 विकेट लिए थे, महज 6.46 के इकोनॉमी रेट के साथ। क्रिस गेल और डेविड वार्नर ये मात्र दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 बार ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। क्रिस गेल ने 2011 और 2012 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता था, वहीं डेविड वार्नर ने 2015 और 2017 में ऑरेंज कैप का खिताब जीता था। वहीं ड्वेन ब्रावो और भुवनेश्वर कुमार दो ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप का खिताब जीता है। 2013 और 2015 में ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए पर्पल कैप जीता, वहीं 2016 और 2017 में भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए पर्पल कैप का खिताब जीता था। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं अभी तक मुजीबुर रहमान, जो अफगानिस्तान से हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में 2018 में आईपीएल में अपना डेब्यू कर लिया था। वहीं सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी आईपीएल में खेलने वाले रहे हैं ब्रैड हॉग, जिन्होंने 45 साल की उम्र में केकेआर के लिए 2016 में मैच खेला था। पार्थिव पटेल 2015 में एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 6 अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है। पार्थिव पटेल ने अपना करियर स्टार्ट किया था चेन्नई सुपर किंग्स से, और अभी 2020 में वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा हैं। लक्ष्मीपति बालाजी पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आईपीएल में हैट्रिक लिया था। इन्होंने 2008 में सीएसके की तरफ से खेलते हुए
किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हैट्रिक लिया था। आईपीएल के एक मैच में चार ओवर में सबसे कम रन देने का रिकॉर्ड आशीष नेहरा के नाम पे है, जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए चार ओवर में महज 6 रन देके एक विकेट लिया था, जो आज तक का रिकॉर्ड है। आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम पे है, वहीं सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पे है, और सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पे ही है, और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पे है, जिन्होंने 66 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए पुणे वॉरियर के खिलाफ 2013 में 175 रन बनाया था। और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पे ही है। इन्होंने अभी तक 326 छक्के लगाए हैं आईपीएल के मैचेस में। और जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 11 सीजन्स में एक भी कैप्टन नहीं बदला है, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 सीजन में 11 कप्तान बदले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स में और सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड भी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम में। ये बात जानकर शायद किसी को आश्चर्य हुआ नहीं होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है उस टीम में। और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड लसिथ मलिंगा के नाम पे है, जिन्होंने अभी तक 170 विकेट्स लिए हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की 5 विनिंग टीम्स का हिस्सा रहे हैं, 2009 में डेक्कन चार्जर्स के लिए, 2013 में मुंबई इंडियंस, 2017 में मुंबई इंडियंस, 2015 और 2019 में भी मुंबई इंडियंस। इसमें से 4 विनिंग टीम के वो कप्तान रहे हैं। एक मैच में सबसे बिगेस्ट मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है, जिन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 2017 में 146 रन से जीत हासिल की थी। वहीं एक सीजन में लगातार सबसे ज्यादा बार मैच जीतने का रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम है, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 9 मैचेस जीती थी। और लगातार सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया के नाम है, जो कि लगातार 9 मैचेस हारे थे। और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर और सबसे लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड एक ही टीम के नाम है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। इन्होंने 2013 में अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 263 रन बनाए थे 5 विकेट देके, और लोएस्ट रिकॉर्ड कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2017 में खेलते हुए बनाया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम महज 49 रन पे ऑल आउट हो गई थी। पीयूष चावला के नाम पे यह रिकॉर्ड था कि उन्होंने 8 साल इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हुए 386 ओवर्स में एक भी नो बॉल नहीं डाला था, पर 2020 के आईपीएल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए पहली बार नो बॉल डाला। एबी डिविलियर्स और कैरन फुलार्ड दो मात्र ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइजीज के लिए 100 से ज्यादा मैचेस खेले हैं। एबी डिविलियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, वहीं कैरन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए। और आईपीएल दुनिया का मात्र एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 4 महिला कमेंटेटर्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा किसी भी मेंस टूर्नामेंट में 4 महिला कमेंटेटर्स ने हिस्सा नहीं लिया था। इन कमेंटेटर्स के नाम है अंजुम चोपड़ा, जो इंडिया के लिए खेल चुकी हैं, लीसा सेथा लेकर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेलिना जोन्स जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ईशा गुप्ता जो कि इंग्लैंड के लिए खेल चुकी हैं। तो ये थे आईपीएल के कुछ अनसुने रिकॉर्ड्स, जो शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें से कितने रिकॉर्ड्स आपको पता थे या कितने नहीं पता थे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए फन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए द स्लॉगर्स।